आज आपको महान भोग हलवा की रेसिपी बता रही हूँ। ये मैदा बेसन है, ये सूजी है, ये मलाई है, ये देसी घी है, देसी घी से मैं बनाऊँ, ये दूध है और ये ड्राई फ्रूट्स है। ड्राई फ्रूट तो आप अपने हिसाब से जो भी चाहें वो लें। और ये दूध मेरा 1.5 पाव दूध है, मतलब 350 ग्राम दूध है खोला हुआ। ये मलाई अपने हिसाब से अंदाज से डालूँगी और ये देसी घी है, मैं देसी घी से बनाऊँगी। पहले ये दोनों को भूनूँगी, सूजी और बेसन को। देखियो मैं इसको धीमी आंच पर इसको भूनूँगी। जब तक कि इसकी खुशबू ना हो जाए। देखिए इसमें दो अपने हिसाब से थोड़ा सा नारियल खोपरे का डाल दो, खोपरे को कश करके। अभी अच्छी तरह से मेरा भुना गया, अब इसमें ये दूध चला जाएगा। देखिए मैं इतना इसमें दूध की मलाई फ्रेश डाल दे रही हूँ। आप ना हो तो ज़रूरी नहीं कि डालें, मेरे पास है इसलिए मैं डाल दे रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब आप लोग खैरियत से होंगे और सर्दी इंजॉय कर रहे होंगे। और सर्दी के मौसम में भाई हलवा गरम गरम मिल जाए तो क्या बात है। अब इसको अच्छी तरह से मैं भूनूंगी। जब भुना जाएगा तब इसमें चीनी डालूंगी। बहुत ही शानदार रेसिपी है ये और जल्दी भी बन जाता है, खाने में भी बहुत मज़ेदार। इसका नाम है सोहन हलवा। देखिए इसमें ये चीनी चला जाएगा। मीठा आप अपने हिसाब से डालिए, जितना आप मीठा आपको पसंद है, कोई ज़्यादा खाता कोई कम खाता है। देखिए मैं इसमें अब देसी घी डाल दूँगी। बहुत ही शानदार हलवा ये बनता है, सर्दियों में तो हलवा बहुत जान है। देखिए हमारा हलवा, इस चमची से 5 चमची मैंने घी डाली है, भर भर के इस चमची से 5 स्पून घी इसमें गया। देखिए मेरा हलवा, अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। देखिए हमारा चला गया ड्राई फ्रूट्स। अब अपनी मर्जी का जो चाहिए वो डालिए। हमारा शानदार सा हलवा तैयार, आप भी बनाएं बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। हमारा देखिए शानदार सा हलवा तैयार। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और हमें भी